खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूं। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के दो जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपनी यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बागमती न्यूज। मैं हूं दिनेश सहनी, आजाद गांधी। आज पूरे देश का जो वायरल खबर यह है कि अपना हीरो अभिनंदन वापिस आ गया है वाघा बॉर्डर पर। उनका स्वागत बहुत सारे भारतीय करने गए और चैनलों का ज़्यादातर जो ध्यान रहा वहीं पर। आज पूरे दिन भारत के लगभग सभी चैनल ये दिखाते रहे, अब आ रहा है, अब आ रहा है। बस अभी थोड़ी देर पहले उनका बाघा बॉर्डर पे स्वागत किया गया। बहुत जानबाज सिपाही वायुसेना के, हम सब उनका अभिनंदन कर रहे हैं। दूसरा वायरल खबर यह है कि वामन मेश्राम साहब पर केस हो गया है। ये वाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि सवर्ण आरक्षण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। जो भी अंबेडकरवादी चिंतक है उनका मानना है कि बहाना कहीं पे और मुकदमा कहीं पे। झारखंड में एक व्यक्ति ने उनके ऊपर मुकदमा किया है। ये 13 पॉइंट रोस्टर और सवर्ण आरक्षण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इनका दावा है कि 13 पॉइंट रोस्टर आ जाने से किसी भी परिस्थिति में बहुजनों को नौकरी में, सरकारी नौकरी में मौका नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सा मैं बता दूं कि उनका क्या कहना है। और उनका दावा है कि जो आरक्षण मिला वो भी आज तक अधिकार नहीं मिल पाया। मोटा मोटी यूँ समझ लीजिए कि अगर 100 सरकारी नौकरियां हैं तो संविधान के अनुसार और नियम के अनुसार उसमें कम से कम 49 नौकरियां अति पिछड़ा बैकवर्ड SC ST को होना चाहिए। लेकिन पूरे देश में जितनी भी सरकारी नौकरी हैं सबको जोड़ लीजिए तो 10-12% भी उसमें बहुजन के लोग नहीं हैं, ये उनका मानना है। भारत मुक्ति मोर्चा का आज 1 मार्च के दिन जेल भरो आंदोलन था और 5 मार्च के दिन पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। आसपास की खबर में बता दूं, जेल भरो आंदोलन में आज नरेश कुमार सहनी भारत मुक्ति मोर्चा मुजफ्फरपुर ने अपनी गिरफ्तारी दी, फिर बाद में उनकी रिहाई भी हो गई और लोक चेतना दल के द्वारा 13 सूत्री मांगों को लेकर धनवंती देवी के द्वारा अनशन किया गया और गाय घाट में पंचायत समिति की बैठक की गई और कुछ मामलों पर निर्णय लिया गया जिसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे, प्रमुख श्रवण कुमार सिंह भी मौजूद थे। आप देखते रहिए आसपास की खबर मेरे साथ और मेरी टीम के साथ। कोई भी खबर हो, कोई भी विज्ञापन हो तो जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।